हमारा हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसके ऐसे मजे लिए कि वो अब तिलमिला उठा है। उसको इतनी तगड़ी मिर्ची लगी है कि उसके नेता बोले बिना अब रह नहीं पाए। दरअसल सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात में कहा था कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में एक्सपर्ट है। अब जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान में बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। हमेशा की तरह उसने बौखलाहट में भारत को लेकर ही झूठे दावे करने शुरू कर दिए और दुनिया को गुमराह करने का काम किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि जयशंकर का ये कहना बताने के लिए काफी है कि भारत के नेता हर बार आतंकवाद को लेकर दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह करने का काम करते हैं। इस तरह के बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है और हम इसकी निंदा करते हैं। पाकिस्तान ने अब तक दावा कर दिया कि भारत ही अपनी धरती से आतंकवाद का समर्थन करता है और उनके खिलाफ भी साजिश रचता है। अब तल्ख अंदाज में जयशंकर ने जो बोला था उसे भी एक बार आप सुन ही लीजिए। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया में दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद आतंकवाद है, आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले किए जाते हैं। कई मौकों पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों ने मासूमों की जान ली, फिर चाहे उरी हमला रहा हो या फिर बाद में पुलवामा में किया गया आतंकी हमला हो, भारत की तरफ से भी हमेशा पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। एक तरफ उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया हो, तो वहीं पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई हो। इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।